महाराज ब्रज की कथा है, ब्रज की कथा में मिठाई न हो, रबड़ी न हो, इतना विद्वता ब्रज की कथा में नहीं चलता। हम लोग इतने विद्वान नहीं है। विद्वान हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा देते देते ठेठ ब्रजवासी कहते, अरे कन्हैया जल्दी आ जा, यहां भूख लगो है, जल्दी लगाया जा भूख। वो कन्हैया भी तैयार ही रहते हैं, बहुत देर रुके वो नहीं। हमको उतना आता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जो सीखे हैं, आप सब ब्रजवासी सिखा दीजिए, ब्रजभाषा बड़ा प्यारा है। कल हमें कह रहे थे वो कि गुरु तुम्हारो मुखंते ना, बाबा तुम्हारे मुखंते जब ये ब्रजवास की भाषा निकले ना, तो बड़ा मजा आ जाए, आनंद आ जाए। कहेंगे गुरु कछु और सिखा दे तो और आनंद आ जाए। दाऊ जी में 7 दिन रह के ना सीखे तो कब सीखेंगे। तो धीरे धीरे जिनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, अपने परिवार और अपने बच्चों के नाम पर उनको दे क्या रहे हैं, कभी चिंता नहीं करते, कभी रात को घबराहट नहीं होती। होती है महाराज जी, इसीलिए ना बीच बीच में 4 बजे कितने लोग निकल जाते हैं हार्ट अटैक से, होती होगी इसलिए हार्ट अटैक होता होगा कि हम कर क्या रहे, भागे जा रहे, सब एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं, जैसे भेड़ों की फौज हो, न कोई चिंतन है, न कोई विचार है, दुख सुख आनंद की तो कोई मीमांसा ही नहीं है। और पांडालों में कल गा गए, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे भैया बहुत अच्छी बात है, नंद को आनंद भयो, तुम्हें कहां मिलो। नंद को तो तब भी आनंद था, नंद को अब भी आनंद है, और नंद को सदा आनंद रहेगा, पर तुम्हारा क्या होगा कालिया। नंद को तो आनंद है, तुम्हारो का होए वो। ये 70-80 साल उम्र तक यही गाए जा रहे हैं हम लोग, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और घर के बाहर एक भिक्षुक आ जाए तो एक मुट्ठी चावल देने में हाय हाय कर रहे हैं, और यहां गा रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की। नंद बाबा हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, पालकी दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, हम क्या दें, हमारी हालत खुद ही खराब है। तो गाए जाओ, खूब गाओ, दिल बहलाओ बीच बीच में आके, निमंत्रण पत्र मिल जाए भागवत जी का, आओ 5-10 मिनट के लिए बैठो, एहसान कर जाओ दाऊ जी पर, कह जाओ दाऊ जी को कि हम आए थे, ध्यान रखिएगा मौके पर, कहीं बात फंसे तो निकाल दीजिएगा, 10 मिनट हमने कथा सुना है, याद रखेंगे दाऊ जी, निकालेंगे समय पर। ये कोई विधि नहीं है, यहां परम निधि बट रही है, हम विधियों के अधीन है। ब्रज में तो ऐसे भी विधि बहुत कम चलती है, सबरा विधि विधान का तो सनी देव भी बड़ा विधि विधान बना के आए थे दर्शन करने के लिए, मैया ने कहा भाई कोकिला बहन में पड़ो रह, चुपचाप दर्शन करे वो सनी कारो। हमारो लाला ऐसे ही बादरन की तरह वहां में खूब जल भरो है करुणा को, हमारो तो वो कारो है, तू तो ऐसे ही कारिया है महाराज, दर्शन ही नहीं कर पा रहा है सनी देव। मुझे की बात है कि सारा दिल्ली सारा चंडीगढ़ वृंदावन तो कम आता है, कोकिला वन में घुस जाता है। शनिदेव शनिदेव शनिदेव, बाल्टी में तेल लेकर के और घूमते रहते हैं, ऐसे शनिदेव शनिदेव शनिदेव, ऐसे शनिदेव शनिदेव शनिदेव। वो हम भी गए एक दिन बांके बिहारी महाराज दर्शन करवे, रोक लिया दो लोगों ने, शनिदेव 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 शनिदेव, ठहरो बाबा शनिदेव सब ठीक है जाएगो। हम कि भैया तुम कितने दिन आते कर रहे हो ये। अरे बोला हम तो हमें 3 साल हो गए, हम कि 3 साल में भी तेल की बाल्टी लेके घूमना पड़े, या तो बढ़िया तो एक कई बार बिहारी जी हमको देख लो, हमारा काम बन जाएगा महाराज। हमारे बिहारी जी ऐसे शनिदेव शनिदेव शनिदेव। तुमने सब कुछ पैसे से जोड़ दिया है, मैं पक्की बात कह रहा हूं, अगर आज ये प्रमाणित हो जाए कि कृष्ण के बजाय
कंस की पूजा से ज्यादा माल पानी मिलता है, 70% भारतीय बदल जाएंगे, कंस की पूजा करने लगेंगे माल पानी के लिए।